तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो बच्चे इस बार बीसीईसी का एग्जाम दिए थे और वो चाहते हैं कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, तभी आपको समझ में आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आज बीसीईसी 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है बाबू। ठीक है, रिजल्ट जो है इसका आउट हो चुका है। आई होप आप ने चेक कर लिया होगा कि कितना आपका पीसीएम रैंक बना है, कितना आपका पीसीएमबी रैंक बना है, कितना आपका एग्रीकल्चर मतलब जॉइंट रैंक बना है, ये सब सारा चीज आपने चेक कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे आखिर कि बिहार इंजीनियरिंग में अगर आपका एडमिशन लेना है विद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो इस बार कट ऑफ क्या रहेगा, आपका रैंक कितना रहना चाहिए कि आपको बिहार इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, जो भी बच्चे पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाक से जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस बार हम बात करेंगे कि आखिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कट ऑफ क्या रहेगा 2024 में। ठीक है, अगर आपने बीसीईसी का एग्जाम दिया है और आप चाहते हो कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, तो कंप्यूटर साइंस कट ऑफ क्या रहेगा बाबू, सीएससी कट ऑफ क्या रहेगा? देखो, अगर आपको सीएससी अगर चाहिए बिहार इंजीनियरिंग में, ठीक है, देखो अभी तो जेई मेंस का एडमिशन चल रहा है। जेई मेंस का एडमिशन आपका 10 से 12 तारीख तक लास्ट चलने वाला है और जेई मेंस का जो एडमिशन होता है वो यूजीएससी के तहत होता है बाबू। ठीक है, यूजीएससी के तहत होता है और ये दो राउंड में लिया जाता है, एक फर्स्ट राउंड है एक सेकेंड राउंड, बस यही दो राउंड होता है। इस बार टोटल सीट की अगर हम बात करें तो 14,500 सीट था यूजीएससी में। ठीक है, अगर मान लो कि इसमें सीट बचता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 7,000 सीट बचेगा, 7 से 8,000 सीट आपका बचेगा। अगर 8,000 सीट बचता है तो ये मायने रखता है कि कंप्यूटर साइंस के सीट उसमें कितने बचेंगे, और जितना ज्यादा सीट बचेगा उतना ज्यादा कट ऑफ हाई मतलब कि ज्यादा बच्चों को मिल जाएगा। देखो, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि लगभग अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कट ऑफ क्या रहेगा। देखो, एक और चीज सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का डिमांड बहुत ज्यादा है बाबू। ठीक है, पहले क्या होता था कि बिहार इंजीनियरिंग में सिविल का कट ऑफ हाई जाता था, बट इस बार क्या हुआ है कि आपका सिविल का कट ऑफ लो गया है। ठीक है, सिविल का कट ऑफ जो है वो लो गया है और इसका कट ऑफ हाई गया है। ठीक है, सीएससी का कट ऑफ हाई गया है, सो सीएससी का सीट मुझे लगता नहीं कि बहुत ही कम बचेगा, का सीट ज्यादा बचेगा। तो मे भी आपको 1000 तक युवा रैंक रहेगा तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा बिहार में बीसीसी के थ्रू। ठीक है, बीसीसी के थ्रू आपको अगर 1000 रैंक है युवा रैंक तो अगर आपको इजीली मिल जाएगा बिहार इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब हम फीमेल युवा की बात कर ले मतलब गर्ल्स की बात कर ले तो गर्ल्स को यहाँ पे 1500 तक जिन गर्ल्स का युवा रैंक रहेगा 1500-2000 तक उनको मिल जाएगा। ठीक है, 2000 ले लो यार, क्योंकि इनका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है, क्योंकि मतलब बहुत क्या बोलते हैं बहुत लेवल तक। अगर इस बार देखो, मैं बताता हूँ यूजीएससी का। ठीक है, यूजीएससी के अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 10,000, ठीक है, 10,300 पे किसी को सीएससी मिला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला है गर्ल्स को। ठीक है, गर्ल्स को 10,000 पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला है, स्पेशलाइजेशन ही मिला है लेकिन मिला है। वही बात यहाँ पर भी है कि अगर आपका युवा रैंक 1000 के अंदर है तो बॉयज को इजिली मिल जाएगा। ठीक है, बॉयज को इजिली कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 2000 तक है तो उनको आराम से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। तो अगर आपको बिहार इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस लेना है फॉर बीसीईसी के थ्रू, तो सभी लोग फटाफट पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। मात्र 149 में आपको हर तरीके का सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप हमेशा 24/7 कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए रहेगा, जो भी डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है अभी जेई मेंस के थ्रू एडमिशन हुआ है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इस बार एडमिशन लिए हैं और ले भी रहे हैं, सो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो, सबसे मेन पार्ट होता है चॉइस फिलिंग और बहुत सारे बच्चे चॉइस फिलिंग में ही गलती करते, सो आपको ये सब गलती नहीं करना है, आपको कॉलेज मिल जाए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इसलिए मैं रकम मात्र 149, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है बाबू, 149 रुपया कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। आप ज्वाइन करोगे आपको बेहतर कॉलेज मिलेगा, आपके लिए बेटर रहेगा। आई होप आप सभी को सारा चीज समझ में आ गया होगा। सारा चीज समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक दे दिया, सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लो और जिनको भी पेड काउंसलिंग लेना है वो फटाफट ग्रुप को ज्वाइन करो और पर्सनल मैसेज करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय।